हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम Redmi ब्रांड के Redmi Note 10 सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, Redmi अपने Note 10 सीरीज़ में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जो कि चाइना में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। ये एक बजट फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि 20 से 21,000 के प्राइस में चाइना में लॉन्च होगा। फ्रेंड्स, Redmi Note 10 सीरीज पहले ही कई मॉडल्स के साथ ग्लोबल बाजार में, इन मॉडल्स में Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10 5G और Redmi Note 10 S भी शामिल है। पर नई रिपोर्ट्स में यह लीक हुआ है कि Redmi अब इसका एक अल्ट्रा वर्जन भी लॉन्च करने वाला है, जिसे Redmi Note 10 अल्ट्रा नाम दिया जाएगा। Redmi का यह स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च किया जा सकता है। फ्रेंड्स, रिपोर्ट के मुताबिक Redmi Note 10 अल्ट्रा को Xiaomi की चीनी वेबसाइट पर लिस्टेड किया गया था, पर कुछ ही देर बाद इसके डेटा को डिलीट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। लीक्स की माने तो Redmi Note 10 Ultra की प्राइस 20 से 21,000 के बीच में हो सकती है, जो कि इसके बेस वेरियंट की प्राइस होगी। बात करें इसके वेरियंट की, तो स्मार्टफोन 3 वेरियंट में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहला 6GB और 128GB स्टोरेज, दूसरा 8GB और 128GB स्टोरेज और तीसरा 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये कई कलर वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा, बट अभी इस स्मार्टफोन का सिर्फ ब्लू कलर वेरिएंट ही लीक हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। बात करें इसके डिस्प्ले की, तो Redmi Note 10 Ultra में 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी जाएगी, जो कि एक AMOLED पैनल होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूमर हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। इस स्मार्टफोन में MediaTek की तरफ से MediaTek का Dimensity 1100 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर होगा। बढ़ते हैं इसकी बैटरी की तरफ। बात करें इसकी बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी को फिक्स किया जाएगा, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। फ्रेंड्स, Redmi 33W चार्जिंग को दे तो रहा है, बट आपने जैसा कि देखा है कि Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, इन सब स्मार्टफोन में 33W की चार्जिंग है, बट ये स्मार्टफोन काफ़ी स्लो चार्ज होते हैं। तो देखते हैं कि ये स्मार्टफोन कितना फास्ट चार्ज होता है। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके OS की। फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन में Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल सकता है, जो कि MIUI के 12.5 वर्जन पर बेस्ड होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि लीक्स में पता चला है कि ये स्मार्टफोन पहले चीनी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, बट अभी ये ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा। फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्टफोन और गैजेट से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।